मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। जाए बड़े काम पे जा। हेलो गाइस, तो आज गाइस हम लोग जा रहे हैं मोती झील, ठीक है, हाजाद्वारा के पास में जो बगल में जो रहता है। यहाँ गाइस एक पार्क है, मोती झील पार्क, आप लोग सामने में आप लोगों को दिखा देंगे। ये सामने जो दिख रहा है गाइस ये है मोती झील गेट के अंदर जाने वाला पहली रास्ता। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है मोती झील पार्क, यहाँ इस पार्क बोल सकते हो, ठीक है। ये रहा मोती झील पार्क, कभी कैसे इसके अंदर एंटर करते हैं, देखते कैसे कैसा है। आप लोग अगर वेस्ट बंगाल में आते हो तो इस कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। वहाँ पे सामने हमारा एक ब्लॉगर है, ठीक है, नाम बताओ जल्दी। बड़ा हरामी हो है, गांजा है, गांजा खबे, क्या बोला तूने, गांजा है, गांजा खबे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मोती झील पार्क के अंदर। अभी गाइस ये जो पार्क है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे को गाइस पता नहीं इतना बारे में क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ। ये जो जिस जगह पे हम लोग आ रहे हैं मिलते हो थाजा दुआरी इधर चल गया। तो ये जो मोती झील पार्क है गाइस, तो झील बोलते हैं, ठीक है, इधर आओ जल्दी से। इसका नज़ारा आप लोग बस देखो भाई, ये जो प्लेस है गाइस उधर, वाव प्लेस, वाव मतलब खतरनाक। ये जो झील आप लोग देखो गाइस, कितना बड़ा झील है गाइस। और सोचो गाइस दिमाग के अंदर मैं कहाँ पे आ गया, बस मतलब मैं जहाँ पे आता हूँ गाइस वही पे आप लोगों को ले जाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ का नजारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस ये जो पार्क का पेड़ पौधे देखो गाइस, यहाँ पे पेड़ का पौधे यहाँ पे देख सकते हो कितना मेंटेन रहता है, हर टाइम इसको मेंटेन किया जाता है। मतलब यहाँ पे गाइस बहुत बहुत लोग आता है जाता है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आता है, यहाँ पे देख सकते हैं खड़े हैं, ठीक है, उसे नहीं दिखा सकते। तो गाइस इसका झील का साइज देखो गाइस, मतलब हम लोग जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा झील है ना। यहाँ पे बीच में लैंप पोस्ट खड़ा है, क्या बोला तूने, बीच में लैंप पोस्ट खड़ा है और दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसका इसका जो इसको इसको क्या बोलते हैं भाई, इसका जो कलर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मेरे को ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, लेकिन गाइस आप लोगों को जितना हो सके मैं जो दिख रहा हूँ वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि गाइस मेरे को उतना पता भी कैसे चलेगा, है ना गाइस। आम का पेड़ है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आम का पेड़ है, ये छोटा भी है बड़ा भी है, वो गाइस बहुत पुराना है। यहाँ पे आप लोग देखो बस, ठीक है, अभी गाइस हम लोग घूमते हैं, आप लोग देखो क्या क्या नजारा दिखता है, ठीक है, स्पीड में आप लोगों को दिखा देंगे। वैसे यहाँ पे मछली भी रहता है, बहुत बड़ा मछली भी है। ओ भाई साहब, मतलब ये जो ये पानी का जो हवा होता है ना, अगर आप लोग झील पे हो अगर कहीं पे हो, ये जो पानी का हवा होता है ना गाइस, इसका जो सुकून मिलता है गाइस बहुत ज्यादा, मतलब वाव लगे। तो आम का पेड़ है, देखो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे क्योंकि वैसे आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये जो पेड़ का इसका नाम मेरे को पता नहीं, आप अगर मेरे को पता चल जाएगा तो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी कुछ दिख जाएगा, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना नहीं। तो वैसे इसका जो झील का साइज है आप लोग देखो, झील का साइज वहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज्यादा पानकौड़ी बोलते हैं ना इसको, पानी में जो रहता है, इसको पानी में जो मछली खाता है ना, जो यहाँ पे देखो भाई इसको बोलते हैं मोती झील पार्क। हाँ हमारे सर, हाँ सामने अमित आ रहा है, देखो अमित हाई कर दो यार, कैसे लग रहा है बोले यहाँ पे आके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अमेजिंग है ना, वाह बोलते हैं वाह। तो इस आकार आप लोग यहाँ पे आते हो, ठीक है, तो पहले गाइस मैंने जो गेट से अंदर आया था तो वो जो गेट के अंदर था हम लोग इस पहले गाइस झील के साइड किनारे आ गए, झील के किनारे यहाँ पे देख सकते हो एकदम, ठीक है। तो इस जो झील के साइड में सब के सब यही पेड़ है, इसका पता नहीं है किसको बोलते हैं, लेकिन गाइस ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे को तो मज़ा आ गया इसको देख के। तो इस हम लोग दोनों यहाँ पे गाइस घूम रहे हैं, हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या नाचो मैं। हम लोग बस घूमते आ रहा है ठीक है। आ जाओ अभी, जाना यार, हाँ
गाइस वहां पे देख सकते हो कितना ज्यादा पक्षी देखो गाइस पानी के अंदर, ठीक है। इसका अगर उड़ाने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। वाओ, तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर। मैंने गाइस पहली बार आ चुका हूँ इस पार्क के अंदर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। जाए बड़े में काम पे जा। इसलिए जो पेड़ है ना गाइस, सामने जो पेड़ दिख रहा है इसको फल देख के हम मेरे को लग रहा है कि गाइस ये मैंने कहीं ना कहीं देखा है, ठीक है। पता नहीं इसको क्या पेड़ बोलते हैं, इसको पता है इसका नाम क्या है? नहीं मेरे को नहीं पता। तो इसका पेड़ का नाम मेरे को पता नहीं, लेकिन गाइस इसका जो फल आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को पता है तो गाइस कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना इसका नाम क्या है, ठीक है। लंबा लंबा फल रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितना दिखा दे रहा है, पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे को पता नहीं यार। इस ये जो पेड़ का है सामने, ये जो पेड़ आप लोगों को दिख रहा है इसका नाम क्या है मेरे को भी गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस ये जो झील का नज़ारा है आप लोग देखो, इस कितना बड़ा, मैंने वहाँ तक से शुरू किया था उस तरफ से, अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। आप लोगों को मैं एक खास बात बता देता हूँ कि गाइस ये जो पार्क है ये गाइस पूरे एक द्वीप होता है ना, लैंड की तरह होता है, ठीक है। ये जो पार्क है गाइस यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ पानी है, ठीक है। चारों तरफ ऐसा ही पानी है, आप लोग जैसा दिख रहा है ना ऐसा गाइस गोल 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 पूरा का पूरा चार साइड में पानी है, और अंदर की तरफ एक पार्क है। मतलब आप लोग सोचेगा इस कितना इंटरेस्टिंग जगह है, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आ जाओ देखते हैं। अब इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि गाइस मैं घूमता जा रहा हूँ लेकिन गाइस पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसे झील ना गाइस, इसको बोलते हैं मोती झील, यानी कि गाइस ये पूरा द्वीप की तरह काम करता है, ठीक है। मिडल पे हम लोग मिडल पे पार्क है, उस टाइप साइड उस टाइप भी पानी है, ठीक है। चारों तरफ पानी से गोल गोल रख दिया गया, ठीक है। फिर मैं अभी फिलहाल मोती झील पार्क के अंदर हूँ, और गाइस आप लोगों को एक खास चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे गाइस म्यूजिकल फाउंटेन, यानी गाइस म्यूजिकल झरना जिसको बोलते हैं, पानी से बनाया जाता है। यहाँ पे गाइस म्यूजिक चलता है और गाइस यहाँ पे लाइटिंग भी चलता है। लाइटिंग चलते चलते गाइस पानी का जो नज़ारा है वो जो गाइस दुबई होता है ना हबीबी के अंदर, दुबई पे जो नज़ारा होता है ना लाइटिंग के साथ म्यूजिक भी चलता है। तो यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पीछे आप लोगों को दिख रहा है कि गाइस पीछे जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है पाइप से बनाया हुआ, वो गाइस पूरा का पूरा गाइस पानी से चलता है। जब पानी ऊपर जाता है लाइटिंग चलता है और म्यूजिक भी उससे साथ ही बजता है। तो इसका अंदर आप लोगों को ऐसा कुछ मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे पीछे से सब देख लो पहले, ठीक है। ये जो पार्क है गाइस बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा बड़ा है। मैं घूमते जा रहा हूँ लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है ऐसा। पैर पे गाइस दर्द हो चुका है अभी, शायद गाइस हम लोग कम से कम गाइस 1 किलोमीटर होगा। बहुत दूर चलते 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 पैर पे हो रहा है दर्द। मोती झील पार्क के अंदर ये जो खूबसूरत नजारा है वो आप लोगों को दिख रहा है। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ जहाँ पे इस फूल का बगीचा है ये, ठीक है। वाव गाइस ये जो पेड़ गाइस कैसे कटा देखो गाइस आप लोग, वाव ओ। तो गाइस क्या बताऊं, बस देखते ही जा रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। गाइस यहाँ पे सामने का जो नजारा है गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है गाइस। गाइस आप लोगों को दिखाएंगे मोती झील पार्क के अंदर सबसे खूबसूरत, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ऐतिह्यशाली नज़ारा जिसको बोलते हैं ना गाइस, बहुत पुराना। यहाँ पे सामने देख सकते हो हाथी घोड़ा खड़ा है, कितना दिख रहा है मेरे को पता नहीं, पास में जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग जो दूर से दिखाई दे रहा था वो गाइस इसका नाम देखो गाइस रिनहसिन ये है गाइस, इसका मूर्ति यहाँ पे बनाया गया। और गाइस ये गाइस नवाब का गाइस
बस इसका ओ तो भाई जिसका बस देखो नवाब जब चलता था तो उसके पीछे हाथी रहता था, सैनिक रहता था, साइड में हर टाइम गार्ड रहता था। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, वाओ माता जी की यार कितना अच्छा पार्क है ना। एक खास चीज आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख सकते हो गाइस क्या ही नजारा है यहाँ पर। विश्व बंगला इसको इस बंगाल में लिखा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और नीचे भी लिखा है विश्व बंगला, विश्व बंगला। और भाई ये है मतिझील पार्क का नक्शा, जिसको देख के आप इसके अंदर जा सकते हो, पूरा नक्शा देख लो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।